नमस्कार दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहा है। बैंक सेक्टर का यह शेयर है और दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का 1769 रुपए पर यहाँ पर स्टॉक की प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर स्टॉक में दिया है। दोस्तों वन डे का 31 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 2% के आसपास यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला, 1.79% का यहाँ पर वन डे का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। दोस्तों क्योंकि शेयर का आप दोस्तों देख सकते हो, टू डे लो 1732 रुपए यहाँ पर देखने को मिला है। दोस्तों 1733-32 रुपए और दोस्तों यहाँ पर शेयर का स्टॉक हाई जो कि 1773 रुपए देखने को मिला है। दोस्तों तो अच्छी खासी हाई मोमेंटम स्टॉक ने बनाई है। दोस्तों बहुत अच्छी खासी यहाँ पर मोमेंटम स्टॉक की बनी हुई है। दोस्तों हाई पर यहाँ पर स्टॉक देखने को मिल रहा है। दोस्तों 52 एक सप्ताह की बात करें तो यहाँ पर स्टॉक का जो एक सप्ताह का हाई है दोस्तों जो कि 1773 जो कि आप दोस्तों देख सकते हो 1774 रुपए देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने हाई ब्रेक नहीं किया है अभी तक और दोस्तों अगर यहाँ पर स्टॉक वो हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पर 52 वीक के हाई से भी और ऊपर जाने की संभावना है, स्टॉक बना सकता है। दोस्तों यहाँ पर 9 रुपए की बढ़ती स्टॉक की देखने को मिल रही है। दोस्तों 0.51% का यहाँ पर रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों सप्ताह के अनुसार बात करें दोस्तों एक महीने की तो 14 रुपए की गिरावट यहाँ पर बनी हुई है। स्टॉक ने सपोर्ट बनाकर अच्छा खासा हाई मोमेंटम एक ही दिन में देखने को मिला दोस्तों। तो यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम स्टॉक की बनी हुई है। दोस्तों यहाँ से यहाँ पर स्टॉक की अक्सर मोमेंटम बनी हुई है, जैसे कि छोटा हाई गया फिर थोड़ा छोटा लो फिर बड़ा हाई गया फिर छोटा लो यहाँ पर देखने को मिला और उसके बाद फिर हाई गया फिर छोटा सा लो देखने को मिला और उसके बाद फिर ज्यादा हाई यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम बनी हुई है। अब 14 रुपए की गिरावट यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात करें एक वन ईयर की चार्ट में तो यहाँ पर 100 रुपए की गिरावट बनी हुई है दोस्तों स्टॉक में। तो दोस्तों यहाँ पर मार्च 2023 में 16 रुपए के साथ गिरावट देखने को मिली थी। 1600 रुपए पर शेयर की प्राइस वैल्यू देखने को मिल रही थी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर अभी जो कि आप दोस्तों देख सकते हो तो 2000 का हाई देकर स्टॉक की गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। तो यहाँ पर बाउंस बैक की संभावना स्टॉक बना सकता है दोस्तों। 1774 का यहाँ पर हाई है जो कि यहाँ पर हाई ब्रेक करता है तो अपसाइड मोमेंटम बन सकती है दोस्तों। थोड़ी ज्यादा मोमेंटम यहाँ पर स्टॉक की बन सकती है। 5 ईयर की चार्ट में देखिए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम बनी हुई है और 46% का रिटर्न बना हुआ है। 564 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। धीरे धीरे स्टॉक प्राइस यहीं पर देखने को मिल रही है। 1700 से 2000 के अंदर वैल्यू में यहाँ पर स्टॉक प्राइस देखने को मिली है दोस्तों। तो यहाँ पर धीरे धीरे स्टॉक की गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिला 1638 रुपए पर। तो यहाँ से फिर अपसाइड मोमेंटम स्टॉक की बन सकती है दोस्तों। ऑल टाइम के जरिए यहाँ पर स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम है और हाई की तरफ मोमेंटम स्टॉक का बना हुआ है दोस्तों। टुडे लो यहाँ पर 1732 रुपए, टुडे हाई 1773 रुपए देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों टुडे 52 सप्ताह का लो 1643 रुपए और 52 सप्ताह का हाई 2064 रुपए देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर स्टॉक की प्राइस 52 सप्ताह के लो की तरफ से 52 सप्ताह के हाई की तरफ जाने की संभावना है, स्टॉक बना सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर अच्छे खासे मोमेंटम बन सकती है और 22-50% होल्डिंग 40% सेलिंग 11% यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाजार में निवेश करते हैं इसमें वित्तीय जोखिम की संभावना, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर बाजार में निवेश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।